नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर वर्मा, हमारे लोकप्रिय चैनल आयुर्वेदिक खजाना में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आपको वो सारी जानकारी देते हैं जो शायद आप नहीं जानते। जी हाँ, कुछ ऐसे घरेलू और आयुर्वेदिक चीजें हैं जो हमेशा आपके आसपास होती हैं, लेकिन किस प्रकार आपके शरीर के लिए लाभदायक है, यही जानकारी देता है हमारा ये चैनल आयुर्वेदिक खजाना। शिशुओं को निरोग बनाता हरण का घासा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ये बताएंगे कि शिशुओं के लिए सबसे पौष्टिक और निरोगी आहार कौन सा है। तो आइए जानते हैं कि वह कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके शिशु को निरोगी बनाता है। दोस्तों, एक काबली या पीली हरण किसी पंसारी की दुकान से खरीद लें और गीले कपड़े से साफ करके सावधानी पूर्वक रख लीजिए और फिर साफ पत्थर की सिल पर 2 चम्मच पानी के साथ सिल पर इस प्रकार से घिसे कि हरण का सिर्फ छिलका निकले और गुठली नहीं। अगर गुठली घिसने लगे तो हरण को दूसरी तरफ से घुमाकर घिसना शुरू करें। जब हरण चारों तरफ से घिस जाए तो उसे सिल से पानी समेत किसी साफ डिब्बी में रख लीजिए। अब शिशु का नाश्ता तैयार है। उसे हर रोज सुबह खाली पेट 1 या 2 चम्मच की मात्रा में शिशु को देते रहें और इसे देने के बाद 1 या 2 चम्मच पानी ऊपर से पिला दें। और यदि शिशु को उस समय सर्दी या जुकाम है तो उसी हरण के पानी को 1 कटोरी गर्म करके उसमें डाल दीजिए तो उस पानी का ठंडापन कम हो जाएगा और सर्दी जुकाम पर तेज असरदार साबित होगा। दोस्तों, इस हरण के घासे को शिशु के दूसरे माह से 1 साल तक देते रहने से शिशु की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ सकती है, साथ ही आपका शिशु हष्ट पुष्ट और निरोगी बना रहता है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस जानकारी से सहमत होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।